देश भगत यूनिवर्सिटी नूं सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिते ने। हरेक प्रभावित विद्यार्थी नूं 10 लाख रुपए दिते जाणगे। अजिहे आदेश सरकार ने जारी किए ने। नाल ही स्टूडेंट्स नूं दूजे कॉलेजां दे विच शिफ्ट है जिहड़ा उह कीता जाएगा। जिहड़े विद्यार्थी शिफ्ट होणगे उहनां दी फीस देश भगत यूनिवर्सिटी भरेगी। नाल ही यूनिवर्सिटी दे खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी सरकार वल्लों लिया जाएगा। देश भगत यूनिवर्सिटी दे विच नवे एडमिशन ते रोक है जिहड़ी उह लग गई है। तां यूनिवर्सिटी नूं लैके सरकार दे सख्त आदेश ने जिहड़े उह सामने आए ने। जिहड़े भी विद्यार्थी इस दौरान प्रभावित होए ने उहनां नूं 10 लाख रुपए ने जिहड़े उह दित्ते जाणगे। स्टूडेंट्स नूं दूजे कॉलेजां दे विच शिफ्ट कीता जाएगा। नाल ही शिफ्ट होण वाले विद्यार्थियों की फीस है जिहड़ी उह यूनिवर्सिटी भरेगी। यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी सरकार वल्लों लिया जाएगा। नाल ही एडमिशन ते भी रोक है जिहड़ी इस यूनिवर्सिटी दे विच सरकार वल्लों लगा दित्ती गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी के नर्सिंग विद्यार्थी लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नूं भारतीय नर्सिंग कौंसिल की मानता नहीं है। सिर्फ पंजाब नर्सिंग कौंसिल को मानता दे लई 60 सीटा ने, जबकि 150 तो वध दाखले ने जिहड़े उह कीते गए ने। ते हुण जिहड़े विद्यार्थी कोर्स पूरा कर चुके ने उन्हां नूं डिग्रियां नहीं दित्तियां जा रहियां। विद्यार्थियों के भविख नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। अजिहा दोष यूनिवर्सिटी के नर्सिंग विद्यार्थी ने जिहड़े उह लगा रहे ने। तां इस मामले दे विच सरकार ने हुण सख्त आदेश ने जिहड़े उह जारी कर दिते ने। हरेक प्रभावित विद्यार्थी नूं 10 लाख रुपए ने जिहड़े उह दित्ते जाणगे। स्टूडेंट्स नूं दूजे कॉलेजां दे विच शिफ्ट कीता जाएगा। नाल ही जिहड़े विद्यार्थी शिफ्ट होणगे उन्हां दी फीस भी यूनिवर्सिटी भरेगी। देश भगत यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार क्रिमिनल एक्शन भी लैण जा रही है। नाल ही इस यूनिवर्सिटी दे विच नवे एडमिशन ते भी सरकार वल्लों रोक है जिहड़ी उह लगा दित्ती गई है।